हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश जीके के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में हम बात करेंगे आज पार्ट 24 की। और बगैर समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमें हमारा, तुलसी सम्मान ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मध्य प्रदेश शासन का तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फोक आर्ट्स, यानी कि लोक कलाएं। और तुलसी सम्मान के बारे में हम पार्ट 17 में पूरा सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चंस तो मैं इसमें हर प्रकार का साथ में लेता जाऊंगा, जो रिपीट है वो भी, लेकिन मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो किस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरा तुलसी सम्मान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 17 इसका देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर 1984। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन कल्प्रिट था उसको भगाने में हमारी कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनका हाथ था। यहां पे हम बात करते हैं कि इसके बारे में पूरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड में एक जहरीली गैस, ठीक है, इस कंपनी से एक जहरीली गैस जिसको बोलते थे मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC शॉर्टकट जरूर याद रख लो, आपको याद बना रहेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिसाव हो गया था। इस रिसाव के कारण बहुत सारे, मतलब ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, 1979, कंपनी तो पहले एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन 1979 में एक सेवन करके एक कीटनाशक था, इसका प्लांट इसमें लगाया गया था। ठीक है, सेवन बनाते थे वो लोग, और एक कीटनाशक था जिसका प्लांट यहाँ पे लगा था, उसमें ये जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज होता था। बहुत सस्ती एक, मतलब ये जो गैस थी इसका यूज जो करते थे वो बहुत सस्ता था, क्योंकि वैसे नॉर्म्स के हिसाब से इनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग करते थे क्योंकि ये सस्ता था। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि ऑफिशियली जो मरने वालों की जो संख्या थी वो 3787 बताई थी। देखिए, ये तो ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा इस प्रकार की ट्रेजडी में कभी भी सही नहीं होता, मतलब आप सोच सकते हैं कितने लोगों की मृत्यु तब हो गई थी। इसके अलावा करीब 5,58,125, ये ऑफिशियल डेटा है, ये लोग मतलब घायल या जख्मी हो गए थे। ठीक है, अभी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था 2008 में इसकी 34वीं बरसी जो थी वो मनाई गई थी, मतलब एक सभा टाइप की इसमें होती है उनको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अफेक्टेड हैं इस ट्रेजेडी से। एक प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया था, यानी 2017 के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया था कि कितने बार्ड जो हैं वो इस गैस ट्रेजेडी से प्रभावित हुए थे। तो उस समय 56 वार्ड थे भोपाल में, ठीक है, 56 वार्ड्स में से टोटल 36 वार्ड्स जो थे वो इसमें प्रभावित हुए थे। ठीक है, बहुत अजीब क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन फिर भी व्यापम ने पूछा है तो ये अजीब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये पूरा था इसके बारे में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है? तो सोयाबीन जो है ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। सोयाबीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोयाबीन है ये तिलहन की फसल है। तिलहन की फसल कौन सी होती है? तिलहन की फसल वे फसलें होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे अन्य फसलों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, अलसी हो गया, ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी तिलहन की फसलें हैं। और आपको बता दूं, तिलहन उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम तिलहन की बात कर रहे हैं सोयाबीन की नहीं, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है, रैंक है, वो कौन सा है? फर्स्ट, ध्यान रखें, फर्स्ट रैंक है, मतलब करीब देश का 27% तिलहन का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में करीब 19.7% उत्पादन होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और इसमें करीब 16.4% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। एक खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल मतलब क्या हुआ? खरीफ की फसल का मतलब होता है कि इन फसलों की जो बुवाई है वो जून में होती है, ठीक है, और जून में बुवाई होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास इनकी कटाई होगी, तो ये खरीफ की फसलें होती हैं आपकी सोयाबीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है वो है ग्लाइसिमैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, और इसका जो कुल है, मतलब जिस
फैमिली में आती है, लेग्यूमिनेस कुल, इस कुल की है आपकी फसल है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोयाबीन का जो उत्पादन है वो देवास जिले में किया गया था 1962 में। सबसे पहले कृषि जो है वो यहीं प्रारंभ इसकी हुई थी। और इसके लिए अगर हम सोयाबीन की फसल के लिए कुछ स्टैंडर्ड की बात करें तो टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है 13 से 24 डिग्री सेल्सियस, इसको चाहिए होता है टेम्परेचर। इसके अलावा वर्षा जो है, रेनफॉल, इसको चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर, मतलब एनुअली बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके लिए जो मिट्टी है, ठीक है, सॉइल, मिट्टी जो है इसको चाहिए होती है अम्लीय दोमट मिट्टी। ठीक है, तो ये इतना अच्छा अम्लीय दोमट मिट्टी जो है उसका लगभग पीएच कितना होना चाहिए, उसका लगभग पीएच होना चाहिए 6 से लेके 6.5 के बीच में। तो 6 से 6.5 मतलब ये अम्लीय होगा। ठीक है, अब देश के अगर हम कुल सोयाबीन की बात करते हैं, ठीक है, देश के कुल सोयाबीन की अगर बात करते हैं तो करीब करीब 55.3%, 55.3% सोयाबीन हमारे यहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो वैसे देखिए मालवा में होता है, जैसे आपका धार हो गया, उज्जैन हो गया, मंदसौर हो गया, इसके अलावा आपका रतलाम, ठीक है, और विदिशा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो सोयाबीन का किया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये है आपका इंदौर में, ध्यान रखें राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, लेकिन राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, उज्जैन में है। इसमें लोग जनरली क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती गलत करके आते हैं, ये नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, दोनों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके कुछ किस्मों की अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन की जो प्रमुख किस्में हैं उनमें देखिए JS 335, JS 9305, JS 9560 और NRC 7, NRC 12 और NRC 86, ये प्रमुख जो इनकी किस्में हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा था आपका सोयाबीन के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त तो कौन है, तो इस प्रश्न को भी हम पहले पार्ट नंबर 20 में डिस्कस कर चुके हैं, जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता जो हैं वो हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 20 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप इमेज में जैसा देख पा रहे हैं आप पहचान गए होंगे, अमजद अली खान ये हैं, इनके दोनों बेटे हैं। ठीक है, ये दोनों बेटे हैं, अयान अली और अमान अली उनके पिता हैं, और ये जो आपका सरोद है, सरोद का वादन ये करते हैं। और अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है ये हुआ था ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर जिले में हुआ था। और इनको 1975 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इनको 1991 में, मतलब 91 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, इसके बाद फिर इनको 2001 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, पद्म विभूषण। बाकी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्योंकि ये तो वो तो बहुत सारे हैं। खैर, हालांकि अब इनको हो सकता है आगे चल के हो सकता है भारत रत्न भी दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही प्रोसेस होती है, क्योंकि सबसे पहले पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर भारत रत्न मिलता है, तो आगे चल के हो सकता है इनको भारत रत्न भी मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। और इसके बारे में भी, मतलब जितने भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राजकीय चिन्ह हैं, उनके बारे में हम पार्ट 21 में सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख लें। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर है, तो देखिए उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो है आपकी जबलपुर में। इसका थोड़ा सा आप जान लें, एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 214 यानी 214, इसके हिसाब से प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक हाई कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो 24 प्लस एक और आ चुका है, तो टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो हैं 25। ध्यान रखें ये अपडेट हो चुका है, और कमेंट करके बताएं कि ये जो अपडेट हुआ है कहां पर एक हाई कोर्ट अब बढ़ गया है, तो टोटल 25 हो गए। ये आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व अगर हम बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तब
2 जनवरी 1936 को, यानी कि 1936 में, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर था, नागपुर में स्थापित किया गया था। इसको जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तब फिर इसको जबलपुर में ट्रांसफर किया गया, फिर ये आ गया जबलपुर में, जबलपुर में स्थापित किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये जबलपुर में जो हाई कोर्ट है इसकी जो बिल्डिंग है, ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी राजा गोकुलदास, ठीक है, किसने, राजा गोकुलदास ने। और इसका जो वास्तुकार है वो कौन था, इसका जो वास्तुकार है वो था हेनरी इरविन, ठीक है, हेनरी इरविन, ये ध्यान रखें, ये जनरली लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। इसके बाद इनकी दो खंडपीठें भी हैं, जो आपकी कहां पर हैं, इंदौर में और ग्वालियर में, दो खंडपीठें हैं। भोपाल में एक खंडपीठ इसकी अभी हाल में प्रस्तावित है, तो तीन खंडपीठ इसकी बनने के बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो दो तो अभी हैं, एक प्रस्तावित है आपकी भोपाल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध प्लेबैक गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान है, तो किशोर कुमार जो है इनका जन्म स्थान है हमारा खंडवा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लो, किशोर कुमार के भाई भी हैं अशोक कुमार, ठीक है, जिनको दादा मुनि के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दादा मुनि जो है अशोक कुमार है, इनको इनका भी जन्म स्थान है वो खंडवा है, इनके भाई है किशोर कुमार के। और किशोर कुमार का जो रियल नाम है वो क्या था, इनका जो रियल नाम था वो था आभाष कुमार गांगुली, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड क्या था, जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड जो है वो इनके पास है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन्होंने सबसे ज्यादा बार ये जीता है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार का जो लता मंगेशकर सम्मान है, लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो भी इनको मिला था 1985-86 में, 1983-84 में इसका गठन हुआ था, सबसे पहले नौशाद अली जो थे उनको मिला था ये, और फिर दूसरे नंबर पे मिला था किशोर कुमार को, ठीक है। तो पहला किसको मिला था, नौशाद अली को, दूसरा मिला था किशोर कुमार को। और एक और चीज बताएं आपको, 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर एक सम्मान की स्थापना करी थी, ठीक है। और वो सम्मान जो है वो किस किस चीज में दिया जाता है, एक तो दिया जाता है फिल्म डायरेक्शन करने में, ठीक है ना, फिल्म निर्देशन जिसको बोलते हैं, फिल्म डायरेक्शन या फिल्म निर्देशन में। दूसरा एक्टिंग के लिए दिया जाता है, अभिनय के लिए दिया जाता है, ये एरिया ही ये पता होना चाहिए, संवाद लेखन, ठीक है ना, मतलब डायलॉग वगैरह जो लिखते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और इसके अलावा ये दिया जाता है गीत लेखन के लिए, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखें, जो गायन है, ठीक है ना, सिंगिंग, उसके लिए अवार्ड नहीं दिया जाता है, ध्यान रखें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है कि क्योंकि किशोर कुमार एक सिंगर थे तो लोग समझते हैं कि सिंगिंग के लिए भी ये दिया जाता होगा, लेकिन ये गायन के लिए अवार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो राशि है वो दी जाती है 2 लाख रुपए की राशि, ठीक है। और किशोर कुमार का जो समाधि स्थल है वो भी कहां पर है, वो भी है आपका खंडवा में, ठीक है। किशोर कुमार के नाम पे खंडवा में कई समारोह भी मतलब होते हैं, जब उनका पुण्यतिथि जिस दिन आती है। तो ये थे हमारे किशोर कुमार के बारे में सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, द सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था। तो सांची स्तूप ये बहुत आसान है, सांची स्तूप जो है वो बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। और अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था सांची स्तूप, लेकिन सांची है कहां पर, सांची है हमारा रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में। और स्तूप है तो किस धर्म से संबंधित होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। दूसरी चीज क्या है, ये बनवाया कब गया था, ये बनवाया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखें ईसा पूर्व है ये, ठीक है ना, ईसा पश्चात नहीं है, ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने इनको बनवाया था। स्तूप की खोज किसने करी थी, स्तूप किसने खोजे थे, तो ये स्तूप खोजे गए थे 1818 में जनरल टेलर के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखें। और 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो सांची का स्तूप होता है, इसका ये जो बनाने का जो तरीका होता है, इसको भरहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भरहुत, ये मतलब जो सजावट की इसकी जो शैली होती है, मतलब इस तरीके से इसको बनाया हुआ है,
ये जो शैली होती है इसको भरूड शैली कहा जाता है। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, एक थे सारिपुत्र, ठीक है, और एक थे महामोगलायन और सारिपुत्र। इन दो लोगों की जो अस्थियां थी उनके अवशेष जो हैं वो इसमें रखे हुए हैं। अब अभी हैं नहीं है नहीं पता, लेकिन इनके ऐसा बुक्स में ऐसा मिलता है, क्योंकि कहीं मैंने शायद ऐसा पढ़ा था कि इनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और ले जाए गए हैं, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन बुक्स में ये चीज़ मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि हाल में अभी जब नोटबंदी हुई थी, मतलब डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब 2017 में, है ना, 2017 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सांची स्तूप की जो इमेज है वो 200 रुपये के नोट पे इसको छापा गया है। ये ध्यान रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 200 रुपये के नोट पे किसकी आकृति है, ठीक है, या 100 रुपये के नोट पे किसकी आकृति है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में है। तो देखिए, इससे संबंधित हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका देवास, और इसकी जो स्थापना है 1974 में ये हुई थी, और इसमें जो मतलब नोट जो छपते हैं वो 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 के, 50 के, 100 के और 500 रुपये के, ये जो नोट हैं वो यहाँ पर छापे जाते हैं, ठीक है, इतने तक के, मतलब 500 रुपये तक का जो नोट है वो यहाँ पर छापा जाता है। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो जरूर कमेंट किया करें। थैंक यू वेरी मच।